Assalamu alaikum. Pakistan Broadcasting Service. हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे हैं। तुलुए सुबह आजादी। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपने इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान, हमारा प्यारा वतन, जो कि 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया। हमारे इस वतन का बनना तारीख का एक अहम वाक़या है, क्योंकि ये मोहम्मद अली जिन्ना की वलवा खेज़ क़यादत में बग़ैर किसी बंदूक के ज़ोर के बाहमी मुशावरत से बना और कायद आज़म की बेमिसाल कोशिशों और अक्लमंदाना फ़ैसलों के बायस वजूद में आया। आइए हम जानते हैं इसकी 70 साल तारीख। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस मुल्क के पहले गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली ख़ान पहले वज़ीर आज़म। इस मुल्क को बेपनाह मुश्किलात का सामना था, लिहाजा बेपनाह जद्दोजहद से इस मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा किया गया। साथ ही साथ हमारे दुश्मन मुल्क, जिसकी नज़रों में हमारी आज़ादी खटक रही थी, उसकी तरफ से साजिशों का सामना भी करना पड़ा। इसीलिए पाकिस्तान बनने के अगले साल ही पहली जंग हुई, जो कि जम्मू और कश्मीर के मुकाम पर लड़ी गई। कायद आज़म की वफ़ात इस मुल्क के लिए एक बड़ा सदमा थी, इसलिए उन हालात में लियाकत अली ख़ान ने मुल्क को संभाला। चंद अरसे बाद लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। इसके बाद मुल्क में जम्हूरियत की जगह आमरियत ने अपने कदम जमाए और जनरल मोहम्मद अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया। 1965 में इंडिया के साथ दूसरी जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज ने भरपूर जोश व वलवले से दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। ये रेडियो पाकिस्तान है। इस वक्त मगरबी पाकिस्तान में दिन के 2 और मशरकी पाकिस्तान में 3 बजे हैं। चंद लम्हे बाद सर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। खवातीन हजरात, सदर मोहतरम, मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद पाकिस्तान को उस वक्त सबसे बड़ा धचका लगा जब बांग्लादेश की सूरत में हमारा जुनूबी पाकिस्तान अलहदा हुआ। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की सूरत में मुल्क को एक नया लीडर मिला, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर बहुत मेहनत की, मगर ये दौर भी ज़्यादा देर इस मुल्क को नसीब ना हुआ और ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा के भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सूरत में हमारा सारे मुल्क पाकिस्तान अलहदा, मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं, जिन्होंने सूबाई गवर्नर खातिर बहुत और वजीर हटा दिए गए, मगर ये दौर अलबत्त आईन को मनसूख नहीं किया गया और ज़ियाउल हक ने इसके बाद हिस्सों पर भुट्टो अमल दरामद को खत्म रोक लिया गया है और भुट्टो को फांसी दे दी गई। फिर ज़ियाउल हक ने इस मुल्क को अपने नज़रिए के मुताबिक चलाया, मगर 11 साल बाद वो C1 क्रैश हादसे में शहीद हो गए।
फिर इस मुल्क में एक नया दौर आया जब जमहूरी हकूमतों को 2-3 साल के अरसे में ही फारिग कर दिया जाता। इस सिलसिले में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की हकूमत को 2-2 बार ख़त्म किया गया, मगर 1998 में 28 मई को पाकिस्तान दुनिया में एक एटमी रियासत बन के उभरा जब चागी के मकाम पर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। पाकिस्तान की तारीख बहुत से अहम वाक़यात से भरी पड़ी है, मगर आज हमें इसके मुस्तकबिल की भी फिक्र है। लिहाजा बात को जानने के लिए हमने पाकिस्तान के नहायत मोहतरम शख्सियत पंजाब यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर इकबाल चावला से भी मुलाकात की। आइए जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। सी पैक के हवाले से पाकिस्तान में बहुत एक उम्मीद की लगन जागी थी, जिसको पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी कोशिश कहा गया था, लेकिन जिस तरह की है यकीनी सूरत हाल चल रही है, क्या सी पैक पाकिस्तान के मुस्तकबिल अच्छा कर सकेगा, क्या ये कामयाब हो सकेगा, आप किसके बारे में? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम CPEC और सी पैक भी कहते हैं, 2013 में शुरू हुआ, 2015 में फाइनलाइज किया गया। चाइना और पाकिस्तान को इसे मिलाना है रोड और रेल के ज़रिए, और यही एक ख्वाब था कि जी बहुत सारी इंडस्ट्री जोन बनेंगे। अगरचे ग्वादर पोर्ट बन गई, वो स्टार्ट भी हो गई, चाइना पाकिस्तान कारोबारी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। वो जो पहला तखमीना ये था $45 अरब का, वो बढ़कर कोई अब कहता है 60, कोई कहता है $70 अरब होगा। तो ये सरमाकारी जो है वो ये तखमीना था हो रही है, हो भी चुकी है। उसी का नतीजा ये निकला कि एनर्जी क्राइसिस पे काबू कर लिया गया और फिर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। तो ये जो खदशात शुरू में लोगों को बताए गए, जो खासकर जो इंडिया मीडिया में इंटरनेट पे ये खदशात इस्तेज़ार किया गया कि पाकिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगा और इसका पाकिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पाकिस्तान को गुलाम बना लिया जाएगा, तो वो तो खदशात दूर होते चले गए। हाँ, ये ज़रूर है, ये जो इमरान ख़ान साहब की नई हुकूमत आई है, इनकी तरजीहात सिर्फ सी पैक नहीं है, इनको और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे अब ईरान और सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, फिर अब अमेरिका और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है, उससे चाइना की भी जो बहुत सारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो और तरफ भी चली गई हैं। मगर मैं ये समझता हूँ चाइना ने बहुत भारी इन्वेस्टमेंट लगा दी है और लगा रहा है, जिसके माशी और माशरती और सकाफती असरात नुमाया नज़र आ रहे हैं। हत्ता कि हमारे डिपार्टमेंट में 15 PhD हिस्ट्री में करने यहाँ बच्चे आए हैं, और अभी मैं मायदा करके आऊँ ईद से एक दिन पहले, तो वो MPhil के लिए भी यहाँ आ रहे हैं, और यूनिवर्सिटियों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ कि भी कहीं और यूनिवर्सिटियों में भी दाखिला मिले। तो सिर्फ ये ही नहीं कि पाकिस्तानी बहुत और चाइना के भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आए, और फिर बेशुमार सैकड़ों की तादाद में लोगों को रोज़गार मिला है। तो ये कहना कि जी सी पैक जो है वो नाकामी की तरफ जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। अब चाइना के जियो स्ट्रेटजिक जो इंटरेस्ट जो हैं वो यहाँ डेवलप हो गए हैं, हमें उससे तकवियत मिली है। पाकिस्तान पहले कभी भी कमज़ोर नहीं था, हमारे पास डेटरेंस है एट्रॉन में, मगर चाइना के इतना ओपन साथ देने से अब इंडिया जिस तरह आप अग्रेसिव एटीट्यूड उसका था, अब आपने देखा होगा रात तब्दीली आई है। एक तरफ शंघाई कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, शंघाई कॉन्फ्रेंस का डिप्लोमेटिक असर पड़ रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान मुझे लगता है कि इंडिया भी बिल आकर सी पैक का हिस्सा बनेगा। ये मैं बात 2013 से किया हूँ, और इंडिया भी बनेगा और अमेरिका भी बनेगा, नहीं तो ये दोनों इररेलीवेंट हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, पैरेलल सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, साउथ एशिया में भी। वो ठीक है, उनकी वो मर्जी है, वो उनकी मर्जी है, बाकी मैं समझता हूँ किसी पे नाकाम नहीं होगा। सर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में आपका क्या, आपकी क्या राय है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, पाकिस्तान 47 से लेकर पहले दिन से लेकर अभी 2019 तक रोज़ाना ही पाकिस्तान दुनिया का बहुत कम ममालिक ऐसे होंगे जिनको इतने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है।
हमें अपने अंदरूनी तौर पर चैलेंजेस का सामना है, रीजनल सतह पे है, इंटरनेशनली है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जब बना है तो माशी तौर पर इतना मजबूत नहीं था और माशरा भी बिखरा पड़ा था। नजरियाती तौर पर बना तो फिर यकदम एथनिक ग्रुप सामने आ गए, तो वो आज भी है। लेकिन 47 में हम अगर मुड़ के देखते हैं तो एक यूनिवर्सिटी है, चंद कॉलेजेस हैं, चंद स्कूल्स हैं, सिर्फ पंजाब डेवलप है या कराची डेवलप है, बाकी तमाम सूबे बहुत उनकी जो पोजीशन थी डिफरेंट है। आज अगर हम देखें पंजाब में सुबह सतह पर कितनी तरक्की हुई है, मरकजी सतह पर कितनी हुई है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत तरक्की हुई है। अब आप देखें तकरीबन 200 यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, अब यह फैसला हुआ हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बनेगी। तो मैं और इंडस्ट्रियां देख लें, कितनी सनतें बनी हैं, कितनी हमारी रहने सहने का स्टाइल बदल गया है। आप मोबाइल ही देख लीजिए, हर बच्चे के पास, मजदूर के पास भी ये मोबाइल है। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट भी दुनिया में हो रही है वो पाकिस्तान में देखी जा रही है और उस पर अमल हो रहा है। तो मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से बिलाशुबा, अभी जैसे कि डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई है, 150, 155 और 60 तक, बास कहते हैं 200 रुपये तक जाएगी। ये मुझे लगता है कि ये फैसला अच्छा, बाज लोग कहते हैं अच्छा हुआ, बाज लोग कहते हैं बहुत बुरा हुआ। तो ये यकदम इतनी कीमत कभी भी आज तक नहीं बढ़ी थी, जिससे महंगाई बहुत बढ़ी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आ गया है, इससे पहले महसूस नहीं हो रहा था अनएम्प्लॉयमेंट। क्या पिछली गवर्नमेंट से गलतियाँ हुई हैं, क्या इस हुकूमत को नहीं समझ पा रही है? मेरा ख्याल है 5 साल अगर मिल जाते हैं इमरान खान साहब को तो वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। और मैं बाय द वे चूंकि स्पोर्ट्स को पसंद करता हूँ, 92 में जब इमरान खान साहब बने थे तो उनके साथ बस खिलाड़ी मौजूद थे, टीम मौजूद थी, उनको पूरा अख्तियार भी हासिल थे। अब लगता है कि बहुत सारे मामलों में वो शायद अपनी बेस्ट सलाहियतों के मुताबिक काम नहीं कर रहे, मगर उसके बावजूद मैं ये कह चुका हूँ कि अगर उन्हें पूरी इनिंग्स खेलनी दी जाए, जो कि देनी चाहिए, तो वो ज़रूर हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। क्योंकि माना टीम कमज़ोर है, माना कप्तान वही है, मगर अवाम तो है ना, हमारी अवाम में जो रेजिलियंस है, हमारी कौम में जो रेजिलियंस है, वो कभी भी गिरते गिरते भी हम मंजिल तक पहुंचेंगे। डॉक्टर इकबाल चावला के बाद हमने अपने उस्ताद ग्रामी, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं, पाकिस्तान के नामवर सहाफी और तारीखदान, जो कि 55 से जायद किताबों के मुसन्निफ हैं, प्रोफेसर साहिबजादा जाबिर सईद बदर साहब से भी मुलाकात की। पाकिस्तान का क़याम तारीख का एक बहुत अहम तरीन वाक़ा है, जिसके बारे में हम जानते हैं सर जाबिर सईद से। देखिए, पाकिस्तान जो है बिल्कुल यूनिक सा इसका परसेप्शन है, और दुनिया में सिर्फ दो ऐसे ममालिक हैं, इसराइल है और पाकिस्तान है, जो एक आइडियालॉजी पे बेस्ड है। और पाकिस्तान की आइडियालॉजी जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, जो जैसे आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी एक बहस और डिबेट चल रही है, और ऐसे हमारे स्कॉलर्स, नाम नहाज मैं उन्हें कहना चाहूँगा, सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, जो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान पे मुसलसल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान के मशाहिर हैं, जैसे आप देखते हैं अल्लामा इकबाल हैं जिन्हें पेश किया, सर सैयद अहमद ख़ान हैं जो फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी हैं, जिना है, मोहम्मद जिना है, उन पर अजीबोगरीब किस्म के क्वेश्चनिंग हो रही है, उन पर डिबेट चल रही है, जिसे ख़ास तौर पर यंग जनरेशन में, यूथ पे उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है और असरात हैं। ख़ास तौर पर ये यूथ है वो कन्फ्यूज्ड है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के फाउंडर्स के बारे में, पाकिस्तान की मेकिंग के बारे में, और ख़ास तौर पर टू नेशन थ्योरी के बारे में। टू नेशन थ्योरी जो है वो ही पाकिस्तान की बेस्ड है, अगर उसकी बेस कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा, पाकिस्तान की अपनी जो बुनियादियाँ वो कमज़ोर होंगी। टू नेशन थ्योरी पर मुसलसल एक क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर मैं आप यंग जनरेशन को और यूथ को कहना चाहूँगा कि वो ऐसे तमाम लोग जो पाकिस्तान की आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ हैं, या उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, या उसके ख़िलाफ़ पोस्ट करते हैं, उनको डिस्करेज करें, और ऐसी पोस्ट को आगे किसी तौर पर भी मज़ीद फॉरवर्ड मत करें, क्योंकि फॉरवर्ड करने से होता है आप उस प्रोपेगेशन को आगे बढ़ाने के लिए।
को जानने और उसकी तरक्की की राह में मामूली सा किरदार अदा कर सकें। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और तरक्की अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।